हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन विद विनी। और आज की वीडियो में कॉमर्स प्रैक्टिस सेट का पार्ट 3 है, जो कि हिंदी में है। और इसमें आपके व्यवसायिक संगठन के स्वरूप के बारे में बताया जाएगा, जो कि टॉपिक वाइज रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, एकाकी व्यापार से रिलेटेड ये क्वेश्चंस रहेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, एकाकी व्यवसाय वह है जिसकी स्थापना। तो एकाकी व्यवसाय कौन सा व्यवसाय होता है, उसकी स्थापना कौन करता है? एक व्यक्ति द्वारा इसकी स्थापना की जाती है। अगला क्वेश्चन देखिए, व्यवसायिक संगठन का प्राचीनतम स्वरूप है। तो सबसे पुराना स्वरूप कौन सा है व्यवसायिक संगठन का? एकल स्वामित्व। एकाकी व्यवसाय के लक्षण है, किस तरह का होता है एकाकी व्यवसाय? तो इसमें एकाकी स्वामित्व भी होता है, असीमित दायित्व होता है, व्यवसाय की स्वतंत्रता होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। तो आपका आंसर है डी। किस व्यवसायिक संगठन पर कोई अधिनियम लागू नहीं होता है? तो जिस पर कोई भी कानून नहीं लगाया जाता, कोई अधिनियम नहीं लगता है, तो वो है एकाकी व्यवसाय। इसको कोई भी अपना ओपन कर सकता है। एकल व्यवसाय का दायित्व क्या है? तो क्या दायित्व होता है एकल व्यवसाय का? जो एकल व्यापारी होता है उसकी क्या जिम्मेदारियां होती है? तो उसकी जिम्मेदारियां असीमित होती है, क्योंकि सारा वर्कलोड जितना करना है उसको खुद करना होता है। एकाकी व्यापार की विशेषता क्या है? इसकी विशेषता होती है कि ये एकाकी स्वामित्व होता है, इसमें एकल स्वामित्व। एकल व्यवसाय का सबसे महत्वपूर्ण लाभ क्या है? तो क्या है? निर्णय लेने की स्वतंत्रता। इसमें किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होना पड़ता कि उसकी उसका कन मत कि वो पहले माने या वो पहले माने, इसमें सारे निर्णय खुद ही लेने होते हैं। एकाकी व्यापारी को व्यवसायिक संगठन का निम्नांकित लाभ उपलब्ध नहीं होता। तो जो एकल व्यापारी होता है उसमें उसको व्यवसायिक संगठन का कौन सा लाभ नहीं मिलता? तो सीमित दायित्व का लाभ नहीं मिलता, उसके ऊपर असीमित दायित्व होता है। अब देखिए, ये अभी आपने एकल स्वामित्व के बारे में पढ़ा, एकाकी व्यवसाय, अब पढ़ेंगे साझेदारी। तो इसके अंदर किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं? साझेदारी दो या दो से अधिक व्यक्तियों की वह संस्था है जिसकी स्थापना लाभ कमाने के लिए की जाती है। साझेदारी व्यवसाय का सदस्य निम्न में से कौन हो सकता है? तो साझेदारी व्यवसाय का सदस्य एक व्यक्ति हो सकता है। भारतीय साझेदारी का पृथक अधिनियम निम्न में से किस वर्ष पारित हुआ था? तो किस वर्ष पारित हुआ था साझेदारी नियम अधिनियम? 1932 में। फर्म में साझेदार कौन नहीं हो सकता? एक पागल व्यक्ति, एक मेंटली रिटार्डेड व्यक्ति एक फर्म में पार्टनरशिप नहीं कर सकता। साझेदारी की स्थापना के लिए क्या आवश्यक है? तो क्या आवश्यक है? साझेदारों के बीच ठहराव या अनुबंध, वैधानिक व्यवसाय, दो या दो इससे अधिक व्यक्तियों की सहमति। तो ये सभी आवश्यक है, उपरोक्त सभी। साझेदारी फर्म में साझेदारों की न्यूनतम संख्या कितनी हो सकती है? तो कम से कम कितने सदस्य होने चाहिए पार्टनरशिप ऑर्गेनाइजेशन में? दो। फर्म का प्रत्येक सदस्य, फर्म का प्रधान होता है, फर्म का अभिकर्ता होता है, तो ये दोनों ही होता है। तो उपरोक्त दोनों इसका आंसर हो जाएगा। साझेदारी फर्म के प्रत्येक सदस्य का दायित्व असीमित होता है, उनमें दायित्व दोनों के ऊपर होता है और वो अनलिमिटेड होता है, असीमित होता है। साझेदारी व्यवसाय में प्रत्येक साझेदार अपने हित हस्तांतरण कर सकता है। तो कब कर सकता है? अन्य साझेदारों की सहमति से। साझेदारी व्यवसाय में प्रत्येक साझेदार अन्य साझेदारों के
कार्य के लिए उत्तरदायी होता है, अपने द्वारा किए गए खर्चों को फर्म से वसूल कर सकता है, अन्य साझेदारों का एजेंट होता है, तो ये सभी होता है, उपरोक्त सभी। वह अन्य साझेदारों के कार्य के लिए उत्तरदायी भी होता है, अपने द्वारा किए गए खर्चों को फर्म से वसूल भी कर सकता है और अन्य साझेदारों का एजेंट भी होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, साझेदारी फर्म के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? फर्म की रजिस्ट्री कराना अनिवार्य है, ये असत्य है। साझेदारी फर्म में फर्म की रजिस्ट्री कराना अनिवार्य नहीं होता। यदि फर्म की रजिस्ट्री नहीं हुई है तो इनमें से क्या होता है? कोई भी साझेदार फर्म के विरुद्ध वाद प्रस्तुत नहीं कर सकता, सही। फर्म किसी भी साझेदार के विरुद्ध वाद प्रस्तुत नहीं कर सकती। फर्म अन्य पक्षकारों के विरुद्ध वाद प्रस्तुत नहीं कर सकती, तो उपरोक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा, डी। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? फर्म की समाप्ति और साझेदारी की समाप्ति का अर्थ एक ही है, ठीक है, ये गलत है। साझेदारी की समाप्ति पर व्यवसाय बंद हो जाता है, रॉन्ग। फर्म की समाप्ति पर साझेदारी की समाप्ति अनिवार्य है। अगर फर्म की समाप्ति होती है तो साझेदारी की समाप्ति अनिवार्य होती है, तो ये एक मिनट सही है, तो आपका आंसर हो जाएगा सी। साझेदारी फर्म का पंजीकरण कराना तो अनिवार्य होता है, नहीं, ऐच्छिक होता है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। किस दशा में साझेदारी समाप्त हो सकती है? कब साझेदारी समाप्त हो सकती है? किसी साझेदार के अवकाश ग्रहण करने पर, किसी साझेदार के अनुबंध से अयोग्य हो जाने पर, किसी साझेदार के दिवालिया होने पर, उपरोक्त सभी, डी इसका आंसर हो जाएगा। फर्म की समाप्ति किस दशा में हो सकती है? तो सभी साझेदारों के पारस्परिक सहमति से, सभी साझेदारों के दिवालिया घोषित कर दिए जाने पर, किसी साझेदार की मृत्यु हो जाने पर, उपरोक्त सभी, तो ये सभी इसके आंसर है, डी। किस व्यावसायिक संगठन का ऐच्छिक समापन नहीं हो सकता? इनमें से कौन सा व्यावसायिक संगठन ऐसा है जिसका समापन ऐच्छिक नहीं हो सकता, ऐच्छिक तरीके से नहीं हो सकता? तो वो है साझेदारी। तो ये थे हमारे आज के क्वेश्चंस, ये था पार्ट 3, और पार्ट 4 में इससे आगे के क्वेश्चंस अपलोड किए जाएंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।